का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनसीपी में फूट की खबर है। कद्दावर नेता बबन राव पशुपते ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। पशुपते ने आईटीवी नेटवर्क से फोन पर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। खबर है कि पशुपते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एनसीपी सीटों के बंटवारे से के मुद्दे से ही नहीं उबर पाई थी, अब ये दूसरा मुद्दा उसके सामने आ गया है, कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इलेक्शन नजदीक आता जाएगा महाराष्ट्र का, वैसे ऐसे लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी जो खासतौर से इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है महाराष्ट्र में, एनसीपी और कांग्रेस, इसकी नेता जरूर अलग अलग पड़ते दिखाई देंगे। और इसके एक बड़े कद्दावर नेता जो की यहाँ पर भवन और पार्टी से है, वह और बकायदा उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शायद वह अब दूसरे किसी पार्टी में जाएंगे। लेकिन इंडिया न्यूज के जरिए उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 15 तारीख को इस मामले पर अपने तमाम समर्थकों से बैठक करेंगे। बैठक में सेलेक्ट क्या करूंगा, अपनी फैसला होगा क्या, लेकिन जो जो भी बात उनकी नाराजगी है वह सब उन्होंने अपने हाईकमान शरद पवार को अजीत पवार से रख दिया था, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर काफी नाराज है और 15 को आपकी फैसला ले सकते हैं। जी अभिषेक, तो एनसीपी के लिए एक झटका जरूर है, यहाँ पर बबन राव पशुपते छोड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव के पहले इस तरह का नाराजगी और मेल मिलाप और इस तरह की चीजें अक्सर सामने आती रहती हैं, और शायद ये उसका एक हिस्सा भी हो सकता है। हमारी स्पेशल में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।